नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास, खबर मधेपुरा से। नवरात्र के पावन अवसर पर प्रांगण रंगमंच द्वारा सार्वजनिक दुर्गा मंदिर परिसर सिंहेश्वर में डांडिया गरबा का आयोजन किया गया। प्रांगण रंगमंच की लड़कियों को टीम द्वारा देवी गीतों पर थिरकी डांडिया नृत्य ने तो समा बांध दिया। नृत्य के माध्यम से माँ दुर्गा की आराधना ने कार्यक्रम का आकर्षण बढ़ाया। इस अवसर पर पूरा मंदिर परिसर भक्ति में माहौल में आलोकित होता नजर आ रहा था। डांडिया गरबा नृत्य में महिलाएं सहित नवयुवतियां पूर्ण उत्साह के साथ माता के गीत के धुन में थिरकती रही व उनके चेहरे पर एक गजब का उत्साह का माहौल बना रहा। कार्यक्रम संयोजक शिवानी अग्रवाल व शिवांगी गुप्ता ने कहा कि डांडिया गरबा में युवतियों ने नृत्य के माध्यम से माँ दुर्गा की आराधना भी की। उन्होंने कहा कि 9 दिन में माँ को प्रसन्न करने के उपायों में से नृत्य भी एक माध्यम है। नृत्य को भी साधना का मार्ग बताया गया है। गरबा नृत्य के माध्यम से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए देश भर में इसका आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब देश भर में माँ को प्रसन्न करने के लिए डांडिया रास का आयोजन होता है तो फिर एक सखियाँ क्यों पीछे रहें। दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव, जनार्दन भगत, दिलीप खंडेलवाल आदि ने कहा कि पिछले 2 साल कोविड की वजह से कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया। इस बार प्रांगण रंगमंच के बच्चों द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार परमार और सचिव अमित आनंद ने बताया कि डांडिया गरबा को लेकर 50 लड़कियों को कोरियोग्राफर ओसामा सिद्दीकी और कृति आजाद द्वारा श्री अशोक वाटिका में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने सिंहेश्वर स्थान के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए पूजा समिति के अलावा बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन, श्री अशोक वाटिका सिंहेश्वर, श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन और प्रांगण रंगमंच सिंहेश्वर का आभार जताया। कार्यक्रम में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के दिनेश यादव, जनार्दन भगत, दिलीप खंडेलवाल, अशोक भगत, इंद्रदेव स्वर्णकार, विष्णु खंडेलवाल, शंकर अग्रवाल, सहदेव यादव, निखिल कुमार भास्कर, सागर यादव, दिलखुश, शशिभूषण कुमार, आशीष सत्यार्थी, नीरज कुमार, निर्जल, बबलू कुमार, चिंटू चैलेंज, अमित आनंद सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिहार मधेपुरा से सविता नंदन कुमार की रिपोर्ट।